यूपी के मथुरा जिले के सोंख के नगला बेरू गुलाल में सड़क के निर्माण कार्य से पहले ही उप मुख्यमंत्री का बोर्ड लगाकर शिलान्यास किया। शिलान्यास के बोर्ड पर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य लोगों का नाम लिखा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला सोख के नंगला बेरू गुलाल का है, जहां 22,57,000 रुपए की लागत से 5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य होना था, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले ही जल्दबाजी में यहां सड़क निर्माण का शिलान्यास बोर्ड लगा दिया गया, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर अभी तक एक गिट्टी भी नहीं डाली गई है। हाल ही में बरसात के बाद सड़क पर कीचड़ है, उसी में से ग्रामीण निकलने को मजबूर है। ग्रामीणों ने जब शिला पट्टिका को लगा देखा तो इसके खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। बता दें कि शिलान्यास के बोर्ड पर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका राय उपाध्याय समेत मथुरा सांसद हेमा मालिनी एवं गोवर्धन विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के नाम अंकित है। यहाँ समस्या ये है कि ये जो गुलाल नाला गुलाल में ये जो सीसी है, ये सारी टूटी फूटी पड़ी है और जगह जगह पे पानी भरा पड़ा है। उसके लिए यहाँ पे शिलान्यास किया है आज से चार पांच दिन पहले। उस शिलान्यास का बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है और उसको शिलान्यास दिखा रहे हैं, उसका वो कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो शिलान्यास किया है, इसका वो लोकार्पण किया है, उसको या तो कार्य करके दिखाइए। और कार्य नहीं किया है यहाँ, इस पैसे का कहाँ का ये काम, मतलब कार्य तो ठाकुर साहब तो हमने आज तक देखे ना है, हमारे बताए ना तो हमारे विधायक साहब आए हैं, ना हमारी सांसद हेमा मालिनी जी आई हैं, कभी ना किसी की खबर ली है। पांच वर्ष योजना से आज तक ना तो हेमा मालिनी जी देखे, ना कारिंदा विधायक जी देखे, सिर्फ वोट के टाइम पे ही दिखते हैं। बाकी हमने आप दसों टोली गिट्टी आती भाई देखे ना है पूरे रोड पे, आज तक नहीं, ना कोई गाँव में न। Thank you.